मामले में एक स्थानीय डॉक्टर और 6 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। वहीं इस हमले की आतंकी संगठन TRF ने जिम्मेदारी ली है। मरने वालों में पंजाब के गुरमीत सिंह, बिहार के 35 साल के इंदर सिंह, कठुआ के 30 साल के मोहन लाल, 26 साल के फयाज अहमद, कठुआ के 30 साल के जगतार सिंह शामिल हैं। तो गगनगीर में नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला घृणित कार्य है, तो अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मृतकों के परिवारों को मेरे प्रति हार्दिक उन्होंने संवेदनाएं दी हैं और साथ ही घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। तो नागरिकों पर कायराना आतंकी हमले को की निंदा की है केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने, और मनोज सिन्हा उपराज्यपाल, उन्होंने भी इस कायराना आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने आश्वस्त कराया है कि बख्शा नहीं जाएगा, इसके पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने निंदा करते हुए इस पूरे कायराना आतंकी हमले की ये कहा कि बख्शा नहीं जाएगा और सुरक्षा बलों को पूरी आजादी है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी सरोज हमारे साथ है। सरोज, क्या अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दूं, इस वक्त हम ठीक उसी स्पॉट पे हैं जहां पर कल यह हादसा पेश आया था। हालांकि पूरा एरिया जो है इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सिक्योरिटी ने जो है हमें आगे जाने को कहा है, बिल्कुल यहां पे शूट नहीं करने दे रहे। आपको बता दूं, जिस तरीके से आप अभी कह रहे थे कि यह हादसा जो है कल गांधरबल के गगनगीर इलाके में पेश आया है, जिसमें अभी तक 7 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसमें से एक बड़गाम से डॉक्टर थे और उसके मजीद 3 लेबरर्स थे, एक डिजाइनर थे और एक मैनेजर थे। ये जो काम चल रहा है इस वक्त यहाँ पे, जडमो जो टनल बन रही है यहाँ पर, जो सोनमर्ग को बाईपास करके जो कनेक्टिविटी यहाँ पे हुआ करती थी कि 6-7 महीने बंद रहा करता था लद्दाख का रोड, उसको लेके इस जडमो टनल पे काम चल रहा है पिछले कई साल से और अब जाके काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे। तो ये 7 लोग जो थे जो अपनी जान गंवा बैठे हैं, ये लोग कल काम करके आ रहे थे और वापस अपने बेस कैंप में पहुंचे थे और तब जाके उन पे ये हमला हुआ था। उसके बाद आपने खुद ही देखा कि किस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स जो हैं उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की, और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का भी एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कड़ी निंदा की और कड़े शब्दों में कहा है कि कोई भी शख्स जो इसके पीछे होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे, आपको याद भी दिला दूं, इसी साल जब रियासी में इसी नवियत का एक अटैक हुआ था जिसमें यात्रियों की बस पे अटैक किया गया था, उसके बाद आज ये सबसे बड़ा ऐसा हमला है जहां पर 7 सिविलियंस जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। आप अभी दृश्य में भी देख पा रहे होंगे, देखिए ये टेरिन जो है काफी ज्यादा टफ है, उसका पहाड़ों के बीचों बीच है और ये एरिया जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हालांकि देखिए पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे वो इस तरीके की होती है जो अभी आप हमारी दृश्य में देख पा रहे हैं। सड़क ये लद्दाख का हाईवे है, नेशनल हाईवे है, और उसके बाद जो ये पहाड़ियां देख पा रहे हैं आप, अगर यहां से भी इंसान जाने की कोशिश करे तो आप साउथ कश्मीर यानी अनंतनाग की तरफ पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी ये पूरा एरिया जो है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। उम्मीद यही है कि जो ये कल्प्रिट से जो ये टेररिस्ट है इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और एक कड़ी सजा दी जाए। जी सरोज, और क्या अभी तक सुरक्षा बलों के हाथ कोई भी जानकारी लग पाई है इन आतंकियों को लेकर के? देखिए सुरक्षा बलों की बात करें तो सुरक्षा बल कल शाम से यहाँ पे चौकस है, जैसा हम अभी आपसे कह रहे थे कि तमाम एरिया जो है ये कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पे ड्रोन सर्विलेंस से भी इस वक्त यहाँ पे पूरा सर्विलेंस चल रहा है कल शाम से ही। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जितने भी ये आतंकवादी हैं इनको पकड़ा जाए। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि मुश्किल सिर्फ इस चीज़ की आती है कि देखिए यहाँ से भागना बहुत आसान हो जाता है, अगर आप सीधा निकल जाए इस रोड से तो आप
नेशनल हाईवे जो लद्दाख ले है वहां निकल जाते हैं, और इन पहाड़ों के पीछे अगर आप चले जाएं तो आप साउथ कश्मीर यानी अनंतनाग पहलगाम की तरफ पहुंचते हैं, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा है कि इससे पहले भी इस नवियत के ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आतंकवादी थे उनको ढेर कर दिया गया था, तो उम्मीद यही रहेगी कि आने वाले आज या कल में जितनी जल्द से जल्द हो सके यहां पर ये जो ऑपरेशन है, जो सर्च ऑपरेशन है, खत्म हो और जो भी इसमें कल्प्रिट से, जो भी संदिग्ध है इसमें, जो भी ये टेररिस्ट है, उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी जी सरोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के। तो मध्य कश्मीर के गांधरबल के सोनमर्ग के पास गगनगीर में यह बड़ा आतंकी हमला हुआ। यहां आतंकियों के हमले में एक स्थानीय डॉक्टर और 6 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने इस आतंकी हमले की निंदा की। वहीं इस हमले की आतंकी संगठन TRF ने जिम्मेदारी ली है। मरने वालों में पंजाब के गुरमीत सिंह, बिहार के 35 साल के इंदर सिंह, कठुआ के 30 साल के मोहन लाल, 26 साल के फयाज अहमद, कठुआ के 30 साल के जगतार सिंह शामिल हैं। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि नागरिकों पर कायरतापूर्ण आतंकी जो ये हमला हुआ है वो घृणित है, इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने परिवारजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट कर इस हमले की निंदा की है। तो गांधरबल के सोनमर्ग के पास गगनगीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ, और आतंकी हमले में स्थानीय डॉक्टर और 6 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने इस आतंकी हमले की निंदा की। वहीं इस हमले की आतंकी संगठन TRF ने जिम्मेदारी ली है। मरने वालों में पंजाब के गुरमीत, बिहार के इंदर सिंह, कठुआ के मोहन लाल और 26 साल के फयाज अहमद, कठुआ के जगतार सिंह शामिल हैं।